सबसे पहले आपको जीत की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। सबसे पहले ये बताइए कि आप किस स्पोर्ट क्लब से खेलते हो, आपको कैसा लग रहा है जीत के? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आप यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? राधिका, सब खेले ज्यादा से ज्यादा, भारत में हम लोग कबड्डी के मेडल्स देखना चाहते हैं। जी प्रतिभा, तो आपके साथ कौन कौन से टीम में कौन कौन से मेंबर्स हैं? सर हमारे साथ अमेठी की टीम खेली जी, और फूलन देवी की एक टीम खेली जी, और अंतिमा लखनऊ। जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई, धन्यवाद जी। राजा मीडिया सेकंड वाली पूरी टीम, धन्यवाद। बोनस पॉइंट सबसे पहले आपको जीत की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। सबसे पहले ये बताइए कि आप किस स्पोर्ट क्लब से खेलते हो, आपको कैसा लग रहा है जीत के? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आप यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? राधिका, सब खेले ज्यादा से ज्यादा, भारत में हम लोग कबड्डी के मेडल्स देखना चाहते हैं। जी प्रतिभा, तो आपके साथ कौन कौन से टीम में कौन कौन से मेंबर्स हैं? सर हमारे साथ अमेठी की टीम खेली जी, और फूलन देवी की एक टीम खेली जी, और अंतिमा लखनऊ। जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई, धन्यवाद जी। राजा मीडिया सेकंड वाली पूरी टीम, धन्यवाद। हमारे साथ इस कुश्ती के बाद ये बहादुर बेटियां, आइए हम आपको इनसे मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। रुचि सिंह बोल रहे हैं। ये रुचि सिंह जी हैं जिन्होंने यहाँ पे इतनी जोरदार प्रदर्शन किया है कि यहाँ जो हजारों की भीड़ थी उनको इतना ज्यादा प्रोत्साहित किया है। अच्छा ये बताइए कि आप ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, वहाँ की बेटियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि आगे बढ़े जी। यस सर, और देख के और उत्साहवर्धन जी। जी बहुत अच्छा। सबसे पहले तो हम आपकी पूरी टीम को ढेर सारी बधाइयाँ। आप अपने जीवन में ढेर सारी उन्नत करें और ऐसे ही हमारे देश का भारत का नाम रोशन करें। हमारे साथ है विजय जी जिन्होंने मवाई आलमपुर ग्राम सभा में महिलाओं की कुश्ती कराई थी। तो सबसे पहले विजय जी आपको ढेर सारी बधाइयाँ जो आपने इस ग्रामीण क्षेत्र में जो है बच्चियों के लिए महिलाओं के लिए जो है कुश्ती का आयोजन किया। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो आप आयोजन करा रहे हैं कितने सालों से करा रहे हैं? ये अब से 20 वर्ष पहले से है जी, 20वां साल है। तो ये महिलाओं की कुश्ती के अलावा और भी कोई कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ रस्सा कसी हो चुका है जी जी, और राष्ट्रीय दंगल भी हो चुका है जी। इसमें भारत के केसरी आ चुके हैं जी। इसमें भारत के केसरी पिछली बार आए थे, रस्सा कसी हो गई है जी। 1500 मीटर की दौड़ हम कराए हैं कई बार जी, और उसके बाद ऊंची कूद कराए हैं, लंबी कूद कराए हैं, गोला फेंक कराए हैं जी। इस तरह तमाम गेम जो है अब तक हम कराते चले आए हैं। तो आज जो आपने आयोजन कराया था उसमें कौन सी टीम विजयी हुई? आज जो है ये रायबरेली की टीम विजयी रही जी। तो अब हमें ये बताइए कि जो आप अगले साल आयोजन करेंगे तो उसमें क्या नए खेलों का भी आयोजन करेंगे जो ग्रामीण प्रतिभाओं को निभाने के लिए? वही हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो खेल अभी तक हमारे हुए हैं जी, उनके अलावा कोई ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिससे सांस्कृतिक कार्यक्रम में जी डांस की प्रतियोगिता ऐसी है जिसमें शारीरिक अभ्यास भी होता है जी जी जी, और ये सामाजिक एकता होती है। तो इसको हम कह रहे हैं कि यूपी का सबसे बड़ा डांस प्रतियोगिता का कार्यक्रम अगले वर्ष हम यहाँ कराएंगे जी। तो हमारे दर्शकों से ये अनुरोध है कि हमें विजय जी से लेना चाहिए प्रेरणा लेनी चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए इतना बेहतरीन काम करा रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ कि आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। हम आपको दिल से मुबारकबाद देते हैं। धन्यवाद।